आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक इंसान अगर किसी चीज को नजरअंदाज कर रहा है तो वो है प्रकृति की देखभाल, जिसकी जरूरत आज सबसे ज्यादा है। लेकिन दमोह के डीएम ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे हर किसी को प्रेरणा लेनी चाहिए। इन खूबसूरत वादियों के बीच बसा ये दमयंतीपुरम यूं ही खूबसूरत नहीं बन गया। यहाँ एक उत्सव सा माहौल बना हुआ था, और वो भी किसी त्योहार के मौके पर नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए प्रेम को लेकर, जहाँ एक साथ दमोह वासियों ने 5100 पौधे लगाए और एक रिकॉर्ड बनाया। लेकिन ये अगर मुमकिन हो पाया है तो सिर्फ दमोह के कलेक्टर तरुण राठी की वजह से, जिन्होंने इसकी नींव रखी। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर देखने को मिली कि यहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं, सिर्फ पर्यावरण के प्रति लोगों की रुचि देखने को मिली। यहाँ बात सिर्फ जाति और धर्म की ही नहीं है, बल्कि इसके साथ ही यहाँ पर सभी शासकीय विभागों, राजनीतिक सामाजिक संगठनों ने भी मिलकर इस पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया। सभी समाज के लोग थे यहाँ पर, और उनको एकजुट करने का भी, अपन ऐसे किसी के यहाँ नहीं जा सकते, जो यहाँ वृक्षारोपण में हमें सबको मिला कि एकजुट देखने का, और उनका हौसला देखा कि सभी लोग इतने ज्यादा संख्या में मिले कि वृक्षारोपण में हम लोग को यहाँ देखने मिला। कलेक्टर साहब के कहने से सारे समाज के, हर समाज के तो तबके यहाँ आए, और सब लोगों ने यहाँ करीब करीब 5000 से ऊपर पेड़ लगाए हुए हैं। सभी सामाजिक संस्थाओं ने जिस प्रकार यहाँ पर एक रूप में, एक सूत्र में बनकर काम किया है, दिल खुश हो गया। कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई आपसी भेदभाव नहीं, लेकिन सबने प्यार से पौधों को रोपा है। और ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि ये पौधे हमारे एक वृक्ष के रूप में यहाँ पर खड़े हो जाए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी और आने वाला दमोह शहर यहाँ पर देखे कि एक घना जंगल बनकर तैयार हो गया दमयंतीपुरम के पास। इस पौधारोपण कार्यक्रम में जहाँ हर उम्र हर वर्ग के लोगों में उत्साह दिखा, तो वहीं युवा पीढ़ी भी इस मुहिम का हिस्सा बनी। दमोह कलेक्टर तरुण राठी की इस पहल का स्वागत दमोह नगर की प्रथम नागरिक नगरपालिका अध्यक्ष मालती असाटी का मानना है कि कलेक्टर की इस पहल ने समूचे दमोह को एक सूत्र में बांध दिया। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।